हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने के लिए बरेली कॉलेज में हिंदी विभाग की प्रभारी प्रोफेसर डॉक्टर मीना यादव ने हिंदी हस्ताक्षर अभियान चलाया है। इस अभियान में कॉलेज के अन्य प्रोफेसर्स और छात्र छात्राओं का भरपूर साथ भी मिल रहा है। अभियान की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि अक्सर लोग अपने हस्ताक्षर अंग्रेजी में करते हैं, इससे अंग्रेजी का प्रचलन बढ़ गया है जिससे हिंदी की गरिमा धूमिल हुई है। एक्चुअली वैसे तो मेरे विचार से हिंदी हमारी आत्मा है और हिंदी को जो सम्मान मिलना चाहिए हमारे देश में वो नहीं मिल पाया है। मैं मॉरिशस गई थी विश्व हिंदी सम्मेलन में, वहाँ भी मैंने ये मुद्दा उठाया था कि हमारे रुहेलखंड विश्वविद्यालय में ही हिंदी विभाग नहीं है, जो कि मेरे विचार से हर विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग होना चाहिए। दूसरा, जब तक हम हिंदी को रोजगार से नहीं जोड़ेंगे तब तक हमारी हिंदी भाषा को पूरा सम्मान नहीं मिल सकता। और बड़े दुख की बात है, अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि हमारे देश में ही हिंदी की इतनी उपेक्षा की जाती है कि अभी तक राष्ट्रभाषा का दर्जा हिंदी को नहीं मिल पाया है। तो यही मुख्य कुछ मुद्दे हैं और ये जो प्रोग्राम मैंने चलाया है हिंदी को सम्मान देने के लिए, कि कम से कम आज के दिन हम यह संकल्प लें कि हम अपने, एक छोटी सी मेरी पहल है कि हस्ताक्षर हिंदी में ही करें, ये संकल्प लें। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि हम हिंदी को सम्मान दें, हिंदी बोलने में हमें गर्व महसूस करना चाहिए, न कि ऐसा कि अपने आप को हम बहुत पिछड़े हुए हैं। अधिकांशतः मैंने देखा है कि अंग्रेजी को ज़्यादा महत्व दिया जाता है और हिंदी की उपेक्षा की जाती है, जो कि नहीं होना चाहिए। जब हमारे अपने देश में ही हिंदी का ये हाल है तो विदेशों में जब हमसे सवाल किया जाता है तो हमारे पास जवाब नहीं होता कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिल पाया है। तो हिंदी को सम्मान देने के लिए मैंने एक छोटी सी पहल की है कि, और एक प्रोग्राम भी जल्दी ही कराने वाली हूँ मैं। अभी तो एग्जाम्स हैं, टाइम नहीं है, टीचर्स भी बिजी हैं, तो पोस्टपोन कर दिया आज का प्रोग्राम, मैं किसी दिन कराऊंगी। तो आज के दिन हम ये संकल्प लें कि हम अपने हस्ताक्षर जो है हिंदी में ही करें, क्योंकि मैं हिंदी की प्रोफेसर हूँ तो, और मेरी जो मदर हैं, मेरी जो माँ हैं वो गुरुकुल से पढ़ी हुई हैं और वो हिंदी और संस्कृत की हैं, तो उन्हीं की वजह से शायद मैंने हिंदी में एम ए किया और मैं हिंदी की प्रोफेसर बनी। तो माँ से ही मुझे ये प्रेरणा मिली है। एक्चुअली हिंदी तो हमारी पहचान है, और इसकी शुरुआत हमें घर से ही करनी होगी। बेशक अपने बच्चों को हम कॉन्वेंट स्कूल्स में पढ़ाएं, लेकिन इसके साथ ही साथ बच्चों को हिंदी के महत्व के बारे में बताएं, घर में हिंदी बोलें, तभी तो हम हिंदी को सम्मान दिला सकते हैं पूरा। हिंदी तो हमारी आत्मा है, मेरे विचार से हमारे रग रग में बसती है। तो वहीं आज बरेली कॉलेज में काव्य गोष्ठी का आयोजन भी किया गया। इस गोष्ठी में छात्र छात्राओं ने स्वरचित कविताओं का पाठ भी किया। आज हिंदी दिवस के अवसर पर हमारे एमएड द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए हिंदी काव्य पाठ संगोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसमें अलग अलग विद्यार्थियों ने अपनी प्रस्तुतियाँ दी हैं हिंदी दिवस के महत्व के बारे में, हिंदी के महत्व के बारे में, हिंदी के प्रयोग के बारे में, व्यवहार के बारे में। कॉलेज में आयोजित काव्य गोष्ठी की जानकारी देते हुए प्रोफेसर अजिता सिंह तिवारी ने बताया कि इस तरीके की काव्य गोष्ठियों से हिंदी को बढ़ावा मिलेगा। आज हमारे विभाग में हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर काव्य पाठ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इस प्रतियोगिता के आयोजन के पीछे उद्देश्य ही यही था, क्योंकि इस समय हम सभी विश्व में जो परिवर्तन हो रहे हैं उनके आधार पर हम लोगों ने अंग्रेजी को अपने व्यवहार की भाषा बना लिया है। तो हमारे एमएड के छात्रों के लिए आज हमने इस काव्य पाठ प्रतियोगिता का आयोजन हिंदी में इसीलिए रखा कि वो हिंदी को अपने भावों की भाषा बनाएं। स्वरचित और दूसरों की लिखी हुई कविताएं छात्रों ने प्रस्तुत की, बहुत अच्छी कविताएं प्रस्तुत हुई। और इस विषय में हमारे विभाग की ओर से बहुत सारे ऐसे हम लोग गतिविधियाँ करने का प्रयास करते हैं जिससे अंग्रेजी, ठीक है, विश्व की भाषा है, ग्लोबल भाषा है, उसकी भी उतनी ही आवश्यकता है, लेकिन हिंदी हमारे सम्मान की भाषा है, हमारे राष्ट्र की भाषा है, हमारी संभावनाओं की भाषा है, हमारी भावनाओं की भाषा है। तो इस भाषा पर हमारा उतना ही हमें गर्व होना चाहिए। हम हिंदी को बोलें तो हम एक गर्व की अनुभूति कर सकें, हम राष्ट्र भाव की अनुभूति कर सकें। उसके लिए बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हम लोग करते हैं, जैसे आज अभी हमारे साथ में सारा वसु मैडम हैं, उन्होंने अपने उसमें कहा कि एक घंटा
हमारे विभाग के सभी छात्र छात्राएं केवल और केवल प्रतिदिन हिंदी में ही वाचन करेंगे, वो केवल हिंदी का ही प्रयोग करेंगे, हिंदी को ही व्यवहार में डालेंगे। ये पूरे ही सत्र में हम लोग इसको व्यवहार में लाएंगे। इसी जी हमारे विभाग में 55 छात्र हैं और हाँ, और नए जो एडमिशन हैं उसके बाद छात्रों की संख्या 110 हो जाती है। तो ये सभी छात्र एक घंटा जब नित्य व्यवहार में हिंदी का ही प्रयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं जो इंग्लिश मीडियम के भी छात्र होते हैं, जो हिंदी भाषी हैं, जो हिंदी मीडियम के हैं, उनकी तो हिंदी, उनकी हिंदी में भी अब बहुत सुधार की गुंजाइश है। तो उनके साथ साथ अंग्रेजी माध्यम के छात्रों की भाषा, छात्राओं की भाषा अच्छी हो, वो हम लोगों का प्रयास रहेगा। प्रोफेसर मीना यादव के इस अभियान में छात्र छात्राओं ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और बोर्ड पर हिंदी में हस्ताक्षर दर्ज कर हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने की मांग को समर्थन भी दिया। सर, हिंदी बहुत हमारी मातृभाषा है, इसे बहुत आगे तक होना चाहिए वैसे, लेकिन इंग्लिश को ज़्यादा मायने रखा जाता है। हिंदी के लिए कम मौत, हर जगह जाते हैं तो सब इंग्लिश में ही क्वेश्चंस करते हैं, इंग्लिश को ही मान्यता देते हैं, हिंदी को बहुत कम मान्यता देते हैं लोग, इसलिए हम बहुत पीछे रह जाते हैं हिंदी के मामले में। बस हम यही सोचते हैं कि हमें हर चीज़ हिंदी में ही बोलनी चाहिए, ज़्यादातर हिंदी में ही लिखना चाहिए, लेकिन लोग इसको महत्व नहीं दे पाते हैं। हर जगह कहीं जॉब करने जाओ कहीं, तब भी लोग इंग्लिश से ही मांगते हैं, हिंदी के लिए बहुत कम। डेली इंसाइडर के लिए बरेली से मलिक राजपूत और बाबूलाल की रिपोर्ट। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।